सो फाइनली बहुत लेट आया है सूरज। एक तरीके की ब्लू मॉर्निंग है, आप देख सकते हैं। पहले पूरे बादलों ने टाइम लिया अपना, और करीब ठीक 7 बजे सूरज बाहर निकला है, जब उसने थोड़ी ऊंचाई पकड़ी। तो चलता रहेगा चूहे बिल्ली का खेल, सूरज बादल बादल सूरज। तो आज एक ठंडा दिन होने वाला है घाटी में, तो आगे दिन की तैयारी खींचते हैं। और हस्की ने सुबह अपना नाश्ता कर लिया उठ के। गुड बॉय हस्की। तो अभी हमने गार्डन में पानी लगा रखा है, और गार्डन में पानी लगाना भी ज़रूरी है ताकि पौधों की ग्रोथ बढ़िया हो। और पिछले 4-5 दिन से बारिश नहीं हुई है, तो और कुछ मित्र लोग आ रखे हैं। और इधर एक पेड़ गिर गया था रात को, तो उसको काट के लकड़ियाँ ले जा रहे हैं अपने बालक के मुंडन के लिए। तो हम भी वहाँ चलते हैं, देखते हैं कि कैसे लकड़ियाँ फाड़ी जा रही हैं। तो ये बिल्कुल हमारे बगल का खेत है, और किसी जमाने में वो देख रहे होंगे वो कुछ पत्थर रखे हुए हैं, तो लोग यहाँ रहते थे। फिलहाल यहाँ कोई नहीं रहता है, बस थोड़ी घास और झंगोरा बो रखा है बानयार्ड में लट। तो ये है उस घर के अवशेष, पहले लोग यहाँ रहा करते थे, लेकिन अब सब लोग नीचे मूव हो गए। तो चलते हैं, हम देखते हैं कैसे लकड़ियों का कटान हो रहा है। तो यहाँ कुल्हाड़ियों से लकड़ियाँ फाड़ी जा रही हैं, और जैसा कि मैंने आपको बताया कल पेड़ गिर गया था, तो इसकी लकड़ियाँ निकाली जा रही हैं। यह है लकड़ियों को फाड़ने के लिए पुराने जमाने के औजार, जब ये लोहे के आड़े नहीं होते थे, ये आड़ा। तो ये है लकड़ी के आड़े, और बहुत ही मजबूत लकड़ी के हैं। कौन सी लकड़ी के होंगे? अच्छा, मोरू की लकड़ी के हैं। मोरू बहुत जबरदस्त लकड़ी है। अच्छा, ये जो हो रहा है अभी, ये देखिए पहाड़ी झंगोरा कोदा खा के क्या जान है अंकल जी में। आज की डेट में भी 70 साल इनकी उम्र है, और आप 70 साल में शायद हॉस्पिटल के चक्कर लगा रहे होंगे। छोटे बच्चे दारू पी के इनका कुछ बुरा हाल है। ये बिल्कुल बिल्कुल राणा जी ने बहुत सही बोला, छोटे बच्चे दारू पे ध्यान है। और ये देखिए झंगोरा कोदा की डाइट फुल पावर। तो हम सब लोग लकड़ी काटने के बाद यहाँ आ गए। ये एक मिट्टी का बना हुआ ऑथेंटिक किचन है। एक्चुअली में किचन बगल में है, ये उसी की तर्ज पे बना हुआ एक डाइनिंग हॉल है। और भाभी जी यहाँ हमें भोजन लगा रही हैं, उन्होंने हमारे लिए दाल भात बना रखा है। और बगल में आपको वो चूल्हा भी दिख रहा होगा छोटा सा। तो बस यहाँ राणा जी प्याज काट रहे हैं, और थोड़ी देर में हम गर्मा गर्म भोजन प्राप्त करेंगे। तो शाम हो गई है, 6:15 हो गए हैं, और घाटी में हेज बनी हुई है। अभी भी बारिश तो हुई नहीं, लग रहा था सुबह के बारिश होगी, और थोड़ा सा मौसम विभाग की रीडिंग पढ़ने पे पता चला कि सीधा मानसून की बारिश आएगी 20 तारीख की। और ये हस्की खेलता कूदता हुआ गार्डन में, बर्तन वगैरह धुल चुके हैं। दिन में कहीं और गया था, तो सुबह से बर्तन पड़े हुए थे और सब धो दिए। अब हस्की के लिए पीना बना रहे हैं, तो आज फिंगर मिलेट और बेंगल ग्राम फ्लोर यानी कि बेसन और कोदे का घोल बनाया जाएगा। और फिर मतलब स्थाई रूप से भोजन तैयार हो जाता है हस्की के लिए। हाँ, बीच में रोटी चावल खाता रहता है, लेकिन फिर भी पीने की डाइट उन्हें चाहिए चाहिए। अभी हस्की उधर ग्राउंड में घूम रहा है, मजे कर रहा है। सुसू आ गया उसे, उसने देख लिया कि मुझे देख रहा है सुसू करते हुए। तो फाइनली रात हो गई है, और हस्की अपना पीना खा रहा है। पीना के बाद इसे शाम को रोटी भी मिलेगी, और अब हम करेंगे आज के दिन को बाय बाय, और हम भी अपना डिनर करेंगे। इसे खोली बोलते हैं, ये ऑथेंटिक गढ़वाली
वुड आर्किटेक्चर में आता है, जिसमें गणेश की प्रतिमा बनाई जाती है दरवाजे के ऊपर। तो गाना है खोली खोली माँ गणेश मोरी नारायणा विराज मेरा गौ माँ, यानी कि खोली मतलब कि दरवाजा, दरवाजे पे गणेश रहते हैं और नारायण प्रभु हमारे गांव में, तो नारायण सूर्यदेव को भी कहा गया है। तो इस पे कलर होंगे डिफरेंट रंग के, ब्लू रेड येलो, तो ये निखर के थोड़ा आएगा। तो अभी भाई का बजट थोड़ा हल्का चल रहा है, तो कलर तो मैं नहीं कर पाया हूँ, पर भविष्य में मैं ज़रूर इस पे कलर करूँगा और वहाँ हंसकी पीने को निपटाता हुआ। ठीक है भाई लोगों, गुड नाइट। अगर आप नए जुड़े हैं तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें व्हाट्सएप में, फेसबुक में, जहाँ भी आप कर सकते हैं, और इस चैनल को ग्रो करने में मदद करें। थैंक यू।